और सब गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस वेलकम माय न्यू वीडियो। तो गाइस बहुत लोग कहते हैं मेरा 90 FPS अनेबल नहीं हो रहा, मेरा लैग बहुत ज्यादा हो रहा है। तो गाइस मैं सबसे पहले वीडियो लेके आ चुका हूँ आपसे। मैंने कहा था ये 2 दिन में वीडियो आ जाएगी, तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो आ चुकी है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना ब्लू स्टैक डाउनलोड करना है। अगर जिसको नहीं पता यार, क्रोम पे जाना हो, ब्लू स्टैक टाइप किया सीधा यहाँ पे ब्लू स्टैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। सीओ अगर आपको 64% डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे सीओ ऑल वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे 64/32 बिट दोनों आ जाएंगे। तो मैं तो 32 बिट पे चलाता हूँ, स्मूथ चलता है, तो मैं सीधा आ गया। और गाइस आपको सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद अपना ब्लू स्टैक ओपन करना है, तो मैं ब्लू स्टैक फटाफट से ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो आपको जल्दी से ओपन करके यहाँ पे आपको पबजी पहले डाउनलोड नहीं करना है। गाइस सबसे पहले आपको ये सेटिंग करनी है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग जाने के बाद ये सेम टू सेम सेटिंग उतार देना। मैं 4GB 8GB रैम के हिसाब से मैंने सेटिंग कर रखी है। यहाँ पर बिल्कुल लैग नहीं होता, स्मूथ चलता है। और यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया यार, एक जगह से जो आपकी इस डिस्प्ले का रेजुलेशन है वही यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, नहीं तो लैग होगा आपका बहुत ज्यादा। और ग्राफिक्स में यार परफॉर्मेंस में कर लेना और ओपन जीएल कर लेना। इसके बाद इंटरफेस रेंडरिंग भाई ऑटो कर लेना और टेक्सचर क्वालिटी डिसेबल कर देना। और यहाँ पे जो आपका ग्राफिक कार्ड है अनेबल कर देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका गेम पैड एमपैड में आपको कुछ नहीं छेड़ना, डिवाइस में सीधा आ जाना। डिवाइस में आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 Ultra सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपका 90 FPS अनेबल नहीं होने वाला गाइस। ठीक है, तो गाइस ये जरूर सेलेक्ट कर लेना। एयरटेल या नेटवर्क कुछ भी रख लो, कुछ भी एयरटेल वेयरटेल। तो गाइस यहाँ पे सेटिंग हो चुका है, एक बार रिस्टार्ट कर लेना अपना इमुलेटर। रिस्टार्ट होने के बाद सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, तो आपको पबजी इंस्टॉल करना। मैंने यहाँ पे सारे से पहले से ऑन कर रखा है। पबजी इंस्टॉल करने के बाद सीधा ऑन करना, उसके बाद ग्राफिक्स पे आ जाना। एक बार ग्राफिक्स में आने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स पे देखो यार, मेरा 90 FPS यहाँ पे अनेबल हो चुका है। तो गाइस बिल्कुल एकदम स्मूथ चलता है। आप देखोगे तो यार मेरी स्ट्रीम देखना आके, मैं सुबह 11 से 2 और शाम को 7 से 9 स्ट्रीम करता हूँ, तो प्लीज जरूर आना। और यहाँ पे होने के बाद एक बार आपको NVIDIA की सेटिंग भी दिखा देता हूँ अपनी। तो एक बार यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल सर्च मारना है। अरे यार मैंने ये क्यों मारा, NVIDIA कंट्रोल पैनल। हाँ NVIDIA कंट्रोल पैनल पे हम आ चुके हैं, तो जल्दी से यहाँ पे NVIDIA कंट्रोल पैनल खुल गया है। हाँ खुल गया। मैं यहाँ पे ब्लू स्टैक काट देता हूँ, नहीं तो लैग होगा। तो गाइस सेम टू सेम एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ स्लो डाउन करके। सेम टू सेम आपको उतार देनी है सेटिंग, आप देख लो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो मैं स्लाइस नहीं पाएगा आप पूछ सकते हो। यहाँ पे देख लो गाइस जल्दी से सारे सारे सेम टू सेम उतार लेना जिनके पास NVIDIA ग्राफिक कार्ड है। और गाइस जिनका अभी भी लैग फिक्स नहीं होता, तो एक काम करना, प्रोग्राम सेटिंग में जाकर अपना जो यहाँ पे अपना जो ब्लू स्टैक है एफ प्लेयर HD वाला है ना, तो इसको सिलेक्ट करके इसको अपनी खुद की सेटिंग दे देना, जैसे मैंने दे रखी है। नया से कहीं का लेता नहीं है ग्लिच की वजह से, तो ऐसे आप खुद की सेटिंग दे देना। देखो मैंने खुद की सेटिंग दे रखी है, तो आप भी दे सकते हो मेरे जैसा। सेम टू सेम लैग नहीं होता, स्मूथ चलता है। कईयों ने मुझसे कहा था यार कि वर्क कर रहा है जो तुमने बताया, तो यार एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। ये देखो गाइस सेम टू सेम उतार देना सेटिंग। तो गाइस यहाँ पे मेरा पूरा हो चुका है। एक बार लैपटॉप अपना रीस्टार्ट मार लेना या PC और रीस्टार्ट मार लेना। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। प्लीज वीडियो को शेयर करो, बहुत नॉलेज और वीडियो। तो चलो गाइस बाय बाय।